Right. So in the previous class, we have studied about statin tube. ठीक है, नेहा शायद present होगी. Last class में हमने पढ़ा कि कैसे आपके air pressure को balance करने के लिए ear क्या करती है, ear आपको help करती है किस रूप से. So when the air enter or when the sound energy enter inside the ear, the tympanum or the eardrum vibrates, right? Due to vibration of the eardrum or due to vibration of the tympanum, more sound energy is created. Actually, the thing which has happened, क्या होती है दरअसल बात की जाए ear के अंदर, तो कई गुना तक साउंड एम्पलीफिकेशन हो जाए. मतलब कोई छोटी सी आवाज भी अगर निकाल रहा है तो आपको बहुत जल्दी सुनाई आ जाता है. इसका कंक्लूजन ये है कि ear जो है वो साउंड को एम्पलीफाई कर देता है. जैसे आप ऐसे गुंबद रहता है या कहीं फोर्ट एरिया होगा, वहां पर आप जाओ और एक बार खुद का नाम पुकारो तो आवाज क्या होता है, इको होता है. कई बार एम्पलीफाई होने के बाद आपके कान को फिर से सुनाई आता है. तो ईयर क्या करता है, इस तरीके से एम्पलीफिकेशन करता है. तो ज्यादा से ज्यादा साउंड एनर्जी फास्ट जब क्रिएट हो जाती है ईयर में, तो उस ईयर के प्रेशर को बैलेंस करने के लिए माउथ के पार्ट से, क्योंकि माउथ में दो वेस्टिब्यूल है, मतलब एक ओरल कैविटी में वेस्टिब्यूल है और एक नेजल कैविटी में वेस्टिब्यूल है. जब दो ओपनिंग है तो ईयर इसका क्यों सपोर्ट नहीं लेगा, क्यों सहारा नहीं लेगा. तो इडल के ईयर के मिडल पार्ट से क्या कनेक्टेड है, स्टैचिन ट्यूब कनेक्टेड है जो एयर प्रेशर को बैलेंस करती है. चलो अब बचे ईयर फारिंग्स के तीन पार्ट. तो जो नेजल कैविटी के पीछे वाला फारिंग्स है उसको कहेंगे नेजोफारिंग्स. जो ओरल कैविटी के पीछे वाला फारिंग्स है उसे कहेंगे ओरोफारिंग्स. ठीक. अब नीचे जब फारिंग्स किससे कनेक्टेड होता है, लैरिंग्स से. ठीक है, तो यहां पर आपका कॉमन क्या आया, फारिंग्स जैसे नीचे आ रहा है इस तरीके से, तो यहां पर क्या होगा ओरल, यहां पर क्या होगा नेजल. तो यहां पर जो सबसे ऊपर पार्ट है फारिंग्स में, तो फारिंग्स में तीन पार्ट आते हैं. द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज नेजोफारिंग्स. नेजो नोज के पीछे का फारिंग्स नेजोफारिंग्स. राइट, तो फर्स्ट फारिंग्स इज नेजोफारिंग्स. पहला फारिंग्स कौन सा है, नेजोफारिंग्स. ठीक है, ओरल कैविटी के पीछे वाला फारिंग्स हो जाएगा ओरोफारिंग्स. राइट, तो नेक्स्ट फारिंग्स इज ओरोफारिंग्स. ठीक है, ओरोफारिंग्स. राइट, और सबसे अंदर का फारिंग्स, तो देखो दिस फारिंग्स विल गेट डिवाइडेड इनटू नाउ टू पार्ट्स. दो अलग ट्यूब में, दो अलग, एक एयर का और एक सॉलिड और लिक्विड का, मतलब फूड पाइप. तो दो ट्यूब में डिवाइड होगा, आपको पता है. चलो, तो जैसे ही विंड पाइप डिवाइड होता है, मतलब ये फारिंग्स जो कॉमन पाथवे है ये डिवाइड होगा, तो एक एयर का एक फूड पाइप जाएगा पीछे वाला और एयर पाइप जो विंड पाइप वो सामने वाला. इसके फ्रंट एरिया में ये बॉक्स रहता है लैरिंग्स. ठीक है, जो क्या क्रिएट करता है, वॉइस क्रिएट करता है. तो लैरिंग्स के साथ जो फारिंग्स जुड़ा हुआ है, मतलब फारिंग्स का हिस्सा जो लैरिंग्स के कनेक्शन में आता है, इसलिए उसे हम कहेंगे लैरिंगो फारिंग्स. तो मैं यहाँ थर्ड लिख रहा हूँ, थर्ड वाले का नाम क्या है, लैरिंगो फारिंग्स. समझ गए. तो फारिंग्स से कितने हिस्से आते हैं, तीन हिस्से आते हैं. एक को भी आपको स्टडी नहीं करना है, जस्ट आपको नाम लर्न करना है. नेजल के पीछे का नेजोफारिंग्स, ओरल के पीछे का ओरोफारिंग. राइट, व्हाट इज फारिंग्स, फारिंग्स इज द कॉमन पाथ. इट इज द कॉमन पाथ फॉर फूड एंड एयर. फूड और एयर के लिए एक ही कॉमन पाथ पे है, दैट इज अवर फारिंग्स. ठीक है, अब लैरिंग्स, अगर इस लैरिंगोफारिंग्स, अब अच्छे से देखना, ये लिख लो, इज द कॉमन पाथवे फॉर फूड एंड एयर. अब अगर फारिंग्स के तीन हिस्से हैं, तो नेजोफारिंग्स इस पार्ट से कहीं से क्या कनेक्टेड होगा, यहां पर स्टैचिन ट्यूब, यहां पर आकर ये पीछे ईयर आ जाएगा उस तरफ. तो नेजोफारिंग्स, ओरोफारिंग्स और ये वाला हिस्सा जो होगा ये होगा लैरिंगोफारिंग्स. समझ रहे हो, मतलब आप लैरिंग्स को, ये डिब्बा है ना जो वॉइस को प्रोडक्शन करता है, इस डिब्बे को आप इंक्लूड मत कीजिए लैरिंगोफारिंग्स में. नहीं, लैरिंग्स का वो पार्ट, मतलब ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, फारिंग्स का वो पार्ट जो लैरिंग्स के साथ कनेक्शन में है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज लैरिंगोफारिंग्स. दिस पार्ट इज ओरल कैविटी के जस्ट पीछे, मेरे माउथ के पीछे आपको क्या हैंग करता हुआ दिखता है, यूवुला. ठीक है, जो प्रिवेंट करता है नोज में चीजें एंटर करने के लिए, हैंगिंग स्ट्रक्चर. यूवुला के जस्ट पीछे वाला पार्ट कौन सा होगा, ये सेकंड वाला ओरोफारिंग्स.
नोज की, अब नोज में तो देख नहीं सकते, मतलब नोज में तो ऐसा ऊपर स्लैंटिंग वे में है ना, तो नोज को देखना पॉसिबल नहीं है, बट नोज नेजल कैविटी जहां इंटरनल इंटरनल नेयर खत्म होगी वहां पर क्या ओपन होगा, और नेजोफारिंग, ठीक है, नेजल चैम्बर का सबसे अंदर वाला पार्ट इंटरनल नेयर जहां खत्म होगा वहां ये ओरोफारिंग आपको दिखेगा, करेक्ट। और नीचे आ जाओ तो लैरेंस के साथ, लैरेंस के साथ जो ऊपर वाला फारिंग्स का पार्ट है वो है लैरिंगोफारिंग। अब अच्छे से देखना, द लैरिंगोफारिंग देन डिवाइड इनटू टू ट्यूब, दो अलग अलग ट्यूब में डिवाइड होगा, एक सामने वाला और एक पीछे वाला। मतलब अगर ये मेरा फारिंग्स है तो ओरो, ठीक है, सबसे पीछे वाला, सबसे ऊपर वाला ओरो क्योंकि ऊपर नोज आती है, उसके नीचे वाला सॉरी सबसे ऊपर वाला नेजो क्योंकि नोज ऊपर आती है, नेजोफारिंग, उसके नीचे वाला हो जाएगा ओरो क्योंकि माउथ नोज के नीचे आता है, तो इसके पीछे वाला पार्ट ओरोफारिंग, और नीचे वाला लैरिंगोफारिंग। क्यों? क्योंकि यहां पर लैरिंग्स आता है इसलिए ऊपर वाला उसका पार्ट बोल दिया लैरिंगोफारिंग। जैसे गांधीनगर और उधर शमशान चौक, ऐसा समझ लो। तो हम शमशान चौक को और एक नाम क्या दे सकते हैं, मानकर चलो शमशान चौक ऐसी है और आगे जाकर गांधीनगर है, तो हम शमशान चौक का दूसरा नाम क्या बोलेंगे पता है? प्री गांधीनगर, गांधीनगर आने के पहली वाली चौक शमशान चौक, और शमशान चौक के पहले मानकर चलो और कोई चौक है, सुभाष नगर है, तो सुभाष नगर का क्या क्या नाम हो जाएगा? प्री शमशान चौक। इस तरीके से मतलब वो पार्ट आने वाला है तो उसके पहले उसका नाम जोड़ दिया जाता है। इसी तरीके से लारेंस आएगा बाद में, बट फारेंस का वो हिस्सा जो लारेंस की तरफ जा रहा है दैट इज लैरिंगोफारिंग। नाउ लैरिंगोफारिंग्स इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ठीक है, दो अलग अलग ट्यूब में डिवाइड हो जाता है। कौन सा? एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर, ठीक है। मैंने एंटीरियर और पोस्टीरियर, सर आवाज नहीं आ रहा, सर आ रही आवाज और दिख भी रहे हो। अच्छा, जिसको नहीं दिख रहा है थोड़ा ट्राई करो, वो यूट्यूब पर जाकर देखे, ठीक है, किसको, शायद केतकी को या किसको सुनना, सृष्टि लोखंडे, राइट, ठीक है। आई होप सबको दिक्कत नहीं है, जिसको दिक्कत हो वो प्लीज यूट्यूब पर जाकर देखे, क्योंकि मेरा नेटवर्क अच्छा है, राइट, अगर सबको प्रॉब्लम होती तो मैं देख सकता था, राइट। सो लैरिंगोफारिंग अब दो पार्ट में डिवाइडेड है, तो मैंने आपको पोस्चर समझा दिए बॉडी के, कौन से पोस्चर, सामने तरफ रहता है उसे कहते हैं एंटेरियर, पीछे तरफ रहेगा उसे कहते हैं पोस्टेरियर, उसी तरीके से सामने तरफ जो रहेगा उसे वेंट्रल, पीछे रहेगा वो डॉर्सल। तो ये लैरिंगोफारिंग्स को पूछो कि बताओ तुम एंटेरियर साइड में किस पार्ट में डिवाइड होगे, तो वो क्या जवाब देगा पता है? मैं एंटेरियर साइड में, अच्छे से मेरा एक एक पढ़ाया हुआ तरीका क्वेश्चन बनता है, सवाल बनता है, ठीक है। आपको ये सवाल पूछा जाएगा, व्हाई इज ब्रीथिंग फ्रॉम माउथ इज नॉट गुड, आप अच्छे से डिस्क्राइब करके लिखना, ठीक है, या एमसीक्यू पूछेगा, व्हाई इज ब्रीथिंग फ्रॉम माउथ इज नॉट गुड, ठीक है, आपको पता है। चलो इसी रूप से अगर इस लैरिंग्स के साथ, ये डब्बा है छोटा सा, जैसे ही विंड पाइप, जैसे मानकर चलो चलो मेरे पास एक लकड़ी है, किस्मत से मिल गई, तो ये जो लकड़ी है ना ये मेरा विंड पाइप है, इतना लंबा नहीं जाएगा नीचे तक क्योंकि बहुत लंबी है, यहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, मतलब कहीं यहां से डिवाइड, यहां जाकर डिवाइड हो जाएगा, मैं आपको बाद में समझाऊंगा कहां जाकर वो डिवाइड होगा, बट कहीं ना कहीं से तो एयर का पाइप स्टार्ट होगा ना, कहीं ना कहीं तो फारिंग्स सेपरेट हो जाएगा दोनों ट्यूब से, एक जा रहा है फूड का, एक जा रहा है एयर का, तो जहां पर एयर का पाइप मतलब ट्रैकिया स्टार्ट हो रहा है उस, ये पूरा अगर ट्रैकिया है तो मैं यहाँ टी लिख देता हूं, दिस इज व्हाट, दिस इज ट्रैकिया, ठीक है, दिस इज ट्रैकिया। तो ट्रैकिया जहां पर स्टार्ट हो रहा है उसके एकदम टिप पर, यहां पर आपको क्या मिलेगा, यहां टिप पर आपको एक बॉक्स मिलेगा ये, ठीक है। अब ये बॉक्स, इसको आने वाले क्लासेस में भी समझेंगे कि गर्ल्स में ये नहीं दिखता है, मतलब गर्ल्स में उतना ये स्वलन नहीं दिखता है, बॉयज में ये आपको स्वलन दिखेगा, समझो, ये वाला पार्ट जो है जिसको एडम्स एप्पल कहते हैं, अपनी क्लास 10th में पढ़ा होगा, तो दिस पार्ट इज स्वलन इन बॉयज नॉट इन गर्ल्स, वी विल लुक इट आफ्टरवर्ड, ऐसा क्या रीजन है, बट जनरल समझो कि कहीं ना कहीं जहां से ट्रैकिया स्टार्ट हो रहा है उसके फ्रंट पार्ट में क्या रहता है, फ्रंट पार्ट में यहां पर कहीं पर वॉइस बॉक्स रहता है, और वॉइस बॉक्स का क्या नाम है, वॉइस बॉक्स का नाम है लैरिंग्स, आई होप आपको दिख रहा होगा। सो ये है ट्रैकिया,
पूरा जो ट्यूब स्टार्ट हो रहा है एयर का, तो यहाँ से क्या जाएगी, यहाँ से एयर जाएगी नीचे, इसके टिप पर जो बॉक्स है उसे क्या कहेंगे, लैरिंग्स। अब देखो तो लैरिंग्स को अगर पूछो, ठीक है, लैरिंग्स के ऊपर वाला पार्ट, इस लैरिंगोफैरिंक्स को पूछो कि तुम आगे जाकर किस में डिवाइड होगे, सो व्हाट द लैरिंगोफैरिंक्स विल से, ठीक है, इट विल से कि मैं एंटीरियर साइड में और पोस्टीरियर साइड में दो पार्ट में डिवाइड होऊंगा, एंटीरियर साइड में और पोस्टीरियर साइड में दो हिस्सों में डिवाइड होने वाला हूं। ओके, द एंटीरियर पोर्शन आपका बॉडी का, इस इंसान का, इस गोलू का देखो तो गोलू के फ्रंट वाला पोर्शन कौन सा होगा, ये, तो ये क्या होगा उसका एंटीरियर, और पीछे वाला हिस्सा ये उसका हो गया डॉर्सल। तो डॉर्सल साइड या वेंट्रल साइड, पोस्टीरियर साइड या एंटीरियर साइड, ठीक है, चलो। तो एंटीरियर साइड में क्या बनेगा, एंटीरियर साइड में बनेगा एयर पाइप, और पोस्टीरियर साइड में क्या बनेगा, पोस्टीरियर साइड में बनेगा फूड पाइप। अब अच्छे से देखना, तो यहां लिख देता हूं एयर, एयर पाइप या विंड पाइप आप लिख सकते हो, विंड पाइप, और यहां बनेगा फूड पाइप, ठीक है। अब एक इंटरेस्टिंग और हमेशा क्वेश्चन आने वाली चीज आती है, उसको अच्छे से समझ लो, ठीक है, कंफ्यूजन मत होना, मैं एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, छोटी सी ट्रिक से वो क्वेश्चन समझ लेना क्या क्वेश्चन आंसर। दोनों के नाम ऐसे कंफ्यूजिंग है कि अगर एक ही घर में एक राम है और उसी घर में अगर श्याम है तो बोलने में और समझने में कितनी दिक्कत होगी, कौन सा राम है और कौन सा श्याम है, बस वही है यहाँ पर। मतलब क्या सर, समझा नहीं। एक रास्ता है, दो ट्यूब डिवाइड होंगे, फैरिंग्स कॉमन रास्ता था, एक जा रहा है एयर पाइप, एक जा रहा है फूड पाइप, गेटिंग, दोनों के ओपनिंग का कुछ ना कुछ नाम होगा, मतलब इनिशियल रास्ते से आप एक ही गेट से एंटर हुए फैरिंग्स, आगे जाकर पता चला कि दो अलग अलग डिवीजन, एक इधर और एक इधर। तो पहले अगर एक ही रास्ता है, अब अगर बाइफरकेशन हो चुका है, जैसे मानकर चलो भद्रावती से आप यहां से जाओ तो आपको वहां पर एक बड़ा सा गेट मिलेगा, बाबा साहेब अम्बेडकर का नहीं, बाड़ा साहेब ठाकरे का, आई गेस एकदम एंडिंग में, ठीक है। अब उधर से जाओ तो अब दो बाइफरकेशन हो जाएगा, एक जाएगा चंद्रपुर, एक जाएगा नागपुर, तो दोनों के एंट्री का तो कुछ ना कुछ नाम रखेगा ना। तो उसी तरीके से यहां पर भी दोनों के एंट्री का नाम है, एक जा रहा है आपका फूड वाला, एक जा रहा है एयर वाला, और एक जा रहा है फूड वाला। अच्छे से देखना, ये है मेरा ट्रैकिया, ट्रैकिया, और पीछे वाला है मेरा इसोफेगस। इसोफेगस किसका नाम है, इसोफेगस फूड पाइप का नाम है, इसोफेगस। आई होप आपको इसोफेगस पूरा दिख रहा है, राइट दिख रहा है। तो इसोफेगस इज द फूड पाइप एंड ट्रैकिया इज द विंड पाइप, WP लिख देता हूं, विंड पाइप। द ओपनिंग ऑफ द इसोफेगस इज समथिंग एंड द ओपनिंग ऑफ द ट्रैकिया इज समथिंग। मतलब सर, ट्रैकिया की ओपनिंग मतलब वहां लैरिंग्स रहता है, यस, वही लैरिंग्स के वॉइस बॉक्स के बीच में से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक ओपनिंग रहेगी। ट्रैकिया के सबसे ऊपर वाले पोर्शन में कुछ ना कुछ एक ओपनिंग रहना चाहिए, और मैं उस ओपनिंग को कुछ ऐसे सर्कल वे में ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ कि ये वो ओपनिंग, और यहाँ पर भी मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया। मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ जस्ट, ऐसा ड्रॉ मत कर लेना, सिर्फ सुनते जाओ, राइट। सो ट्रैकिया, ट्रैकिया के जो ओपनिंग है इट इज कॉल्ड एज GLOTTIS। तो मैं यहां लिखता हूं विंड पाइप की ओपनिंग, विंड पाइप की जो ओपनिंग है उस ओपनिंग को यहां लिखो तो बेहतर है, ठीक है। विंड पाइप की जो ओपनिंग है दैट ओपनिंग इज कॉल्ड एज ग्लॉटिस, ठीक है। नाम लिखता हूं यहां जी, आई गेस दिख रहा है ना सभी को, राइट, GLOTTIS, दिस इज व्हाट, दिस इज ग्लॉटिस। ग्लॉटिस नाम है किसका, इस ट्रैकिया के ओपनिंग का, ठीक है। चलो पोस्टीरियर साइड में पीछे तरफ क्या ओपन हो रहा है, इसोफेगस, ठीक है। पोस्टीरियर साइड पीछे तरफ क्या ओपन हो रहा है, फूड पाइप या इसोफेगस। उस फूड पाइप और इसोफेगस में जो ओपनिंग रहती है उसका नाम भी जी से स्टार्ट होता है, वो भी कहीं ना कहीं इस ग्लॉटिस जैसा ही लगता है, बट थोड़ा अलग है। उसका नाम है GULLET, गलेट। तो एक का नाम ग्लॉटिस, दूसरे का नाम गलेट। सर थोड़ा कंफ्यूजन है, कैसा सर, पहले एक ही घर था पैरेंट्स, ओके, उसके बाद नीचे आया तो एक राम दूसरा श्याम, सर थोड़ा सिमिलर लग रहा है। मतलब एक जी से स्टार्ट हो रहा है गलेट, और दूसरा जी से स्टार्ट हो रहा है क्या, ग्लॉटिस, ठीक है। तो एक चीज है, अच्छे से देखो, तो
तो गलत जो है गलत, आप इसोफेगस को बहुत बार आपको इसोफेगस ऐसा लिखा हुआ दिखेगा, तो चलो मैं ऐसा ही लिख देता हूँ, मान कर चलो दिस इज इसोफेगस। जैसे निमोनिया का पी साइलेंट होता है ना, ठीक है, पी साइलेंट होता है, पी निमोनिया नहीं होता है, वो निमोनिया होता है। इस तरीके से सुनामी का टी साइलेंट होता है, एस यू से स्टार्ट होना चाहिए था, सुनामी देखकर तो लगता है सुनामी आ रही है, ठीक है, तो एस यू से स्टार्ट होना चाहिए था, बट स्टार्ट किससे होता है, टी से स्टार्ट होता है, टी साइलेंट होता है। उसी तरीके से इसोफेगस किससे स्टार्ट होता है, ओ से, बट प्रोनाउंसिएशन देखो तो क्या है, इसोफेगस, ना ना कि ओइसोफेगस नहीं है वो, इसोफेगस। तो इसोफेगस ओ से स्टार्ट हो रहा है, साइलेंट है वो, बेसिकली प्रोनाउंसिएशन में ई आ रहा है। तो इसोफेगस गलट में और ग्लॉटिस में किसमें आपको ई दिख रहा है, ठीक है, गलट में और ग्लॉटिस में किसमें आपको ई दिख रहा है? सर मुझे गलट में ई दिख रहा है, और इसोफेगस भी ई से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो एक सिंपल सी चीज है, ई आता है गलट में और ई से ही स्टार्ट होता है इसोफेगस, ठीक है, समझ रहे हो? जहां पर मैं दिशा पे लेकर जा रहा हूं, दिशा पर चलो तो देखो ग्लॉटिस में आ रहा है क्या, ग्लॉटिस में आपको ई नहीं दिख रहा होगा। अब सोचने वाले ये जरूर सोचेंगे क्या हुआ, अटक रहे हो सर, ये जरूर सोचेंगे कि मैं अटक रहा हूं, बाकी सबको आवाज आ रही है? नहीं सर, बाकी सब आ रही है। हाँ सर आ रही है, आप क्या, मेरी आवाज आ रही है? बाकी जन देखो, चेक करो अपना नेटवर्क वगैरह, आज बारिश आ रही है तो शायद बराबर नहीं दिखेगा, हो सकता है प्रॉब्लम, राइट? सो ई किस में आ रहा है, ई गलट में आ रहा है, ग्लॉटिस में आपको ई दिख रहा है देखो कहीं पर, बिल्कुल नहीं। बट यू कैन थिंक सर ट्रैकिया में ई है, हाँ है, बट ट्रैकिया ई से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये समझो। नन अंदर देन आप दूसरी ट्रिक कुछ बना सकते हो तो खुद से बना सकते हो, बट मुझे ऐसे याद होता है, ठीक है, आप अगर चाहो तो खुद से ट्रिक डेवलप कर सकते हो, लर्न करने के लिए चीजें, बट जनरली गलट मतलब यहाँ गली है, तो समझ लो फुट जाने के लिए, यहाँ पर गली नहीं है, यहाँ पर एयर जाता है, सॉलिड पार्टिकल गली लगती है, हवा तो कहीं पर चली जाती है, समझ रहे हो? सो गलट किसकी ओपनिंग है, गलट इज द ओपनिंग ऑफ इसोफेगस। हाउ यू विल रिमेम्बर दैट ई कम्स इन गलट एंड इसोफेगस कम्स स्टार्ट फ्रॉम ई, सो इस तरीके से आप लर्न कर सकते हो, गलट इज द ओपनिंग ऑफ द फूड पाइप एंड ग्लॉटिस is the opening of the air pipe. क्या आपको समझा या क्या बताया मैंने कि रिपीट करूं? समझा सर। इसको अच्छे से किताब में लिख लो, यही आपको बार बार एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ गलट किसकी ओपनिंग है, और आपको कंफ्यूज करेगा, माउथ की ओपनिंग है, नोज की ओपनिंग है, फूड पाइप की ओपनिंग है या विंड पाइप की ओपनिंग है। ऑनली वन थिंग रिमेम्बर, उससे आप बाइफरकेशन सब कुछ कर लोगे, एलिमिनेशन करना है क्वेश्चंस में, एक चीज पता रहती है बाकी हम आंसर निकाल लेते हैं। तो एक चीज क्या पता रखना है हमको बस, कि इसोफेगस में सर ई से स्टार्ट होता है, वैसे तो ओ से होता है बट ओ साइलेंट है, मैंने बता दिया। तो इसोफेगस ई से स्टार्ट हो रहा है, उस हिसाब से गलट में ई आता है, ग्लॉटिस में नहीं आता है, तो गलट किसकी है, फूड पाइप, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम, तो ये आप लिख लो, फूड पाइप की ओपनिंग क्या कहलाती है, गलट कहलाती है, और विंड पाइप की क्या कहलाती है, विंड पाइप की कहलाती है ग्लॉटिस। नाउ लारिंग्स, अब ग्लॉटिस के आगे क्या ओपन होगा, ग्लॉटिस के आगे जो ओपन होता है इट इज, यहाँ एरो करके लिख लो, ग्लॉटिस के आगे ओपन होता है लारिंग्स, और लारिंग्स के आगे फिर स्टार्ट हो जाता है आपका ट्रैकिया। ग्लॉटिस के नीचे एक एरो कर लो, वहां लिख लो लारिंग्स, नहीं दिख रहा है आपको, आई नो इट नहीं दिख रहा है, राइट? तो मैं प्रोनाउंस कर रहा हूँ, यू हैव टू राइट, ग्लॉटिस के नीचे, ग्लॉटिस के नीचे क्या आता है, एरो कर लिख लो, इसके नीचे लारिंग्स, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, ग्लॉटिस के नीचे एरो कर लिखना लारिंग्स, और लारिंग्स के नीचे फिर क्या स्टार्ट हो जाएगा, टी आर ए सी एच ई ए, ट्रैकिया, ठीक है। चलो अब देखो मिटा देता हूं ये सब, रहने दो इधर का, यहाँ पर एक चीज समझानी है जो क्वेश्चन और एक बनता है, ठीक है, इसी के बेसिस पर क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज ये वाला, जहां जहां मैं बोलता हूँ क्वेश्चन हमेशा आता है उसको स्टार मार्क कर लिया करो, ताकि आपको दिक्कत ना हो जब भी आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे तब, ठीक है, और बेहतर है
मैंने बाकी प्रैक्टिस की है, इसलिए सबसे बेहतर ट्रिक यही है। तो आप यही याद रखो कि ई किस में आता है। जैसे आपने याद किया था, याद है फैमिली में लास्ट में ई ए ई आता है, तो आप फैमिली को जल्दी से सिलेक्ट कर सकते हो कौन सी इनमें से फैमिली है। उसी तरीके से ये भी सिलेक्ट कर लेना। देखो, सो एक चीज तो हो गई, कौन सी? नेचर ने सोचा कि एयर नोज में माउथ की कोई भी चीज जो खा रहे हैं पी रहे हैं वो एंटर नहीं होना चाहिए, इसलिए ग्लॉटिस लगा दिया। तो ग्लॉटिस कैसा जाता है? ऐसा पीछे चला जाता है, सॉरी यूला। ठीक है, तो माउथ से कुछ भी जा रहा है तो यूला क्या करता है? प्रिवेंट करता है कि नोज में कोई चीज एंटर ना हो जाए। ठीक है सर, अब देखो, अब गोलू को नहीं लेता हूं, मैं लेता हूं माया को। ठीक है, माया, माया नाम की एक लड़की है। ठीक है, बहुत बड़ी नाक है सर माया की, नहीं छोटी बनाता हूँ, ये माया। ठीक है, और माया का ये फारिंग्स इस तरीके से होगा। ठीक है, ये ऊपर नेजल कैविटी बना देते हैं और इधर ओरल कैविटी। चलो, ये फारिंग्स अच्छे से देखना। अब मैंने आपको एक चीज समझा है जो हर जगह पर काम आएगी, मैंने आपको बताया था। ठीक है, जनरल टर्मिनोलॉजी, हमेशा जो चीज बाहर रहती है उसे कहते हैं एक्टो, हमेशा जो सबसे अंदर रहेगा उसे कहते हैं एंडो, एंडो, और जो बीच में रहेगा उसे कहते हैं मेसो। ठीक है, इट इज गुड दैट यू आर प्रोनाउंसिंग, बट प्लीज वॉइस बंद कर दीजिए। आप मेरे साथ रिकॉल कर रहे हैं, इट इज वेरी गुड। घर पर, रूम पर बैठ, जहां पर भी बैठे हो, अपने साथ साथ रिकॉल करते जाओ ताकि चीजें आसान हो जाए। जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं ना, तब हमारी चीज में पढ़ी वाली सब चीज रिविजन हो जाना चाहिए। रिमेम्बर वन पॉइंट, 90% ऑफ द सिलेबस, मतलब 90% किताब का पूरा समअप आपको क्लास में मिलता है। सो किताब सिर्फ इसके लिए रखो, जब भी आपको कोई डाउट आए तब आप ओपन कर सकते। मैक्सिमम ऑफ द टॉपिक शुड बी क्लियर्ड इन द क्लास इटसेल्फ। आपको कभी भी किताब पढ़ के अगर नहीं समझ में आ रहा है, इसमें गलती टीचर की है, मेरा ये मानना है। ठीक है, सो 90% 90-95% शुड बी क्लियर द टॉपिक इन द क्लास इटसेल्फ। सो ट्राई टू रिकॉल, इन ऑनलाइन क्लासेस इट इज डिफिकल्ट टू मेक कनेक्शन विद ईच एंड एवरीवन, सो बेटर इज टू रिकॉल। ऐसे अकेले रूम पे बैठे रहते जाओ और बड़बड़ाते रहते जाओ, कोई पागल बोले तो हाँ बोलना, हम पागल हैं लेकिन कुछ ना कुछ तो करेंगे, पागलपन जरूरी है लाइफ के लिए। एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक, दिस इज ओरल कैविटी, सॉरी दिस इज राइट ओरल कैविटी, दिस इज नेजल कैविटी, दिस इज फारिंग्स। अब हमारी जो माया है, वो माया ने क्या खाया है? माया ने खाया है फूड, माया फूड खा रही है। चलो माया मानकर चलो कचौरी खा रही है। ठीक है, माया क्या खा रही? कचौरी खा रही। सो व्हेन द माया ईट्स कचौरी, इट विल एंटर फ्रॉम द फारिंग्स। अब कहां जाएगा? सर यहाँ दो ओपनिंग है, बना लो जल्दी जल्दी। तो यहाँ सामने गया ट्रैकिया या विंड पाइप, पीछे गया इसोफेगस। करेक्ट है, राइट। थोड़ा बड़ा बना लो, ये लो बड़ा बना लिया, ज्यादा ही बड़ा हो गया, बट इसका भी एक सेपरेट नेचर है। ये जो है ना ट्रैकिया, ट्रैकिया में कार्टिलेज होता है, फूड में कार्टिलेज नहीं होता है। जब ट्रैकिया पे आएंगे तब समझेंगे, क्योंकि फूड आप कितना भी बड़ा खा सकते हो, इसको इलास्टिक रहना है, मतलब फूल जाए फिर वापस आ जाए। तो ईसोफेगस में कुछ कार्टिलेज वगैरह नहीं होती है, ट्रैकिया में होती है। चलो, तो अगर ये अब कचोरी यहां से एंटर हो रही है, कहां जाएगी? सर इस तरफ से ईसोफेगस में जाएगी, मतलब किस ओपनिंग के थ्रू जाएगी ये? सर ओपनिंग का नाम होगा गलेट। गलेट के थ्रू ये कचोरी अंदर जाएगी। क्या ये कचोरी ग्लॉटिस के थ्रू जाएगी? आंसर इज नो। व्हाई? अगेन आई रिपीट, ईसोफेगस फूड पाइप है और गलेट में ई आता है, मतलब कचोरी गलेट के ओपनिंग के थ्रू जाएगी। माइक किसका चालू है? शिवम, राइट। माइक बंद करके रखना प्लीज। सो यहां से फूड पार्टिकल जब अंदर एंटर करता है, कौन से रीजन से अंदर एंटर करेगा? आंसर इज गलेट। अब गलती से भी फूड यहां पर अगर चला जाए, मानकर चलो अगर यहां से इस पाइप में ना एंटर करके ये एयर पाइप के फूड अगर फूड यहां पर एंटर कर जाए, तो आपके लंग्स में तो कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं बना है जहां पर फूड को डाइजेस्ट किया जाए, तो फूड यहां पर एंटर होना चाहिए क्या? आंसर इज नो। अगर गलती से भी हो जाता है तो माया क्या करेगी? मानकर चलो माया फूड एंगल्फ कर रही है, तो खाते खाते बात कर रही है। ठीक है, खाते खाते बात कर रही है, बोलते ना बात नहीं करना है, तो माया बात करते जा रही है, तो क्या होगा? उसका लारिंग जो है, उसके वॉइस, उसका जो लारिंग है, उसका वॉइस बॉक्स जो है, जो आवाज प्रोडक्शन करते रहेगा। ठीक है, अब आवाज अगर प्रोडक्शन करते रहता है तो उसी वक्त, ठीक है, उसी वक्त ऐसा क्यों बोलते हैं? बाकी टाइम अगर मैं बोल रहा हूं तो अभी मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है,
तो खाते वक्त ही क्यों बात नहीं करना है? कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा ना, घर वाले पढ़े लिखे है भी नहीं भी है, बट जो भी है बट उनको पता तो है कि ये चीज नेचुरल है, उसको अच्छे से समझो कि व्हेन द फूड पार्टिकल विल एंटर विल ट्राई टू एंटर इनसाइड द ट्रैक, या माया क्या करेगी? मम्मी मम्मी पानी दो जल्दी, इस तरीके से करेगी ना माया, क्यों? क्योंकि माया की लंग्स जवाब दे देती है कुछ ना कुछ एंटर हो रहा है, ऐसे जोर से आपको ठसा लगेगा दो पानी लाओ जल्दी लाओ, ऐसी करोगे तो माया भी ऐसी करेगी, माया को डर लगेगा क्या हो गया मेरे लंग्स के साथ, क्या अंदर चला गया, द फूड विल, वो ऐसे बाहर जो हिकअप्स आते हैं ऐसे आप बोल सकते हो, व्हाट द हिकअप्स आर ट्राइंग टू डू, दे आर ट्राइंग टू टेक द फूड बैक फ्रॉम द ट्रैक। वन थिंग शुड बी वेरी क्लियर, नन ऑफ द फूड पार्टिकल शुड बी एंटर्ड इनसाइड द लंग्स, ठीक है, लंग्स में एक छोटा सा भी फूड पार्टिकल एंटर नहीं होता है, अगर हो भी जाता है तो आपको पता है वहां पर सीलिया है, वहां पर एक रिवर्सल मैकेनिज्म है, और वहां पर एक नीचे डायफ्राम भी रहती है जो पुश करके आपके ट्रैकिया के थ्रू फूड को बाहर कंपल्सरी निकालेगी, फूड अंदर तो नहीं जाएगा, ये बात 100% श्योर है, ठीक है, फूड में एयर के पाइप में फूड पार्टिकल कभी नहीं जाएगा। तो सर सामने तरफ यहां भी ओपनिंग है, यहां भी ओपनिंग है, हमने एयर तो मान लिया कि एयर यहां से एंटर कर सकती है, ठीक है सर, अब दोनों का पाथवे रिवर्स भी हो सकता है ना, जैसे एयर चली गई फूड पाइप में, सॉलिड पार्टिकल खाना चला गया विंड पाइप में, तो दोनों का रीजन समझ लेते हैं। अगर एयर फूड पाइप के थ्रू नीचे चली जाती है तो बॉडी के अनवांटेड गैसेस के फॉर्म में वो बाहर भी निकल जाएगी, गेटिंग माय पॉइंट, अगर फूड पाइप के थ्रू एयर अगर एंटर कर रही है बाय चांस, देन इन दैट केसेस बॉडी के अनवांटेड गैसेस के फॉर्म में वो बाहर भी निकल जाएगी, वो तो सीन खत्म हो गया। बचा सवाल फूड का, अगर फूड यहां पर एंटर कर रहा है तब तो उसको प्रिवेंट करना है रुकने से, सो आई हैव टोल्ड यू जो चीज ऊपर रहती है उसे क्या कहते हैं, एपी या एक्टो, जैसे एपिथीलियम थे हमेशा कहा रहते हैं एपिथीलियम लाइनिंग्स के एकदम टिप पे रहते हैं क्योंकि उसका काम ही है सिक्रीशन करना, सिंथेसिस करना, मूवमेंट करना, ठीक है, ये सब काम एपिथीलियम का है, एंड इवन गॉबलेट सेल्स आर मॉडिफाइड एपिथीलियम, ये पॉइंट छूट चुका था, अगर आप लिखना है तो लिख सकते हो, जो गॉबलेट सेल्स है ना, कल मैंने बताया था गुड मॉर्निंग गॉबलेट सेल्स म्यूकस सिक्रेट करता है, गॉबलेट सेल्स जो सबसे बाहर तरफ रहते हैं वो भी एपिथीलियम के द्वारा ही बने गए हुए रहते हैं, so goblet cells are modified epithelium, right? So अब epi कहाँ रहता है? Epithelium सबसे बाहर तरफ, यहाँ पर किसकी opening है? सर यहाँ पर opening है glottis की और यहाँ पर opening है gullet की, so nature has done one thing, माया की कचोरी उसकी trachea में enter नहीं होना चाहिए, इसलिए ऊपर एक leaf like structure लगाया, किसके जैसा? Leaf like, पत्ती जैसा, ठीक है, पत्ती, तो पत्ती नहीं है, पत्ती जैसा, लीफ जैसा स्ट्रक्चर, लीफ जैसा स्ट्रक्चर जस्ट ग्लॉटिस के ऊपर लगा है, ग्लॉटिस के ऊपर, तो ग्लॉटिस ये नहीं है इसोफेगस वाला, वो गलेट है, ग्लॉटिस के जस्ट ऊपर एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर लगा है, ठीक है, तो उसका नाम क्या होगा? अब एपी मतलब ऊपर, थीलियम टिश्यू, थीलियम टिश्यू के ऊपर और एक टिश्यू है एपिथीलियम, राइट, उसी प्रकार से एपी कहां लगेगा? हमेशा आउटर वर्ड, और एक्टो या मीजो या एंडो, एंडो कहां लगेगा? अंदर तरफ, तो अगर मैं ग्लॉटिस के ऊपर मुझे एक फ्लैप लाइक या लीफ जैसा कुछ स्ट्रक्चर लगाना है तो मैं उसका ऐसा कुछ स्ट्रक्चर लगा देता हूं यहां पर, तो मैं उसका नाम क्या रखूंगा? आई विल नेम इट एज एपी, व्हाट आई विल नेम इट एज? एपी, एपी ग्लॉटिस। तो आप देखो कचोरी अंदर एंटर कर रही है, एक सेकंड, कचोरी अंदर एंटर कर रही है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, यहां से दिखाना पॉसिबल नहीं होगा, चलो यहीं से दिखाता हूँ, दिस इज द फूड पार्टिकल दैट इज ईटन बाय माया, दिख रहा है सभी को? ये चौक जो है ये एक फूड पार्टिकल है जो माया ने खाया है, अब यहां से फूड पार्टिकल अंदर एंटर हो रहा है, यहां बिचारी हमारी माया ने इसको च्यू किया, मास्टिकेशन किया, चबाया अच्छे से, अब फूड कहां जाएगा? नीचे तरफ, यहां जाऊं या वहां जाऊं, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन, सॉल्यूशन का कुछ पता नहीं, तो नेचर ने बोला देखो फसो मत, दिक्कत में मत फसो, मैंने सोल्यूशन निकाल दिया है, फूड जब भी यहां आएगा एक लीफ लाइक कवर लगाया, फ्लैप लगाया, किसके ऊपर? ट्रैकिया के ओपनिंग के ऊपर। अच्छा, ट्रैकिया के ओपनिंग का नाम क्या? ट्रैकिया के ओपनिंग का नाम है ग्लॉटिस, ओके, तो ग्लॉटिस के ऊपर एक कवर लगाया है, किस तरीके का कवर है? एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, फ्लैप, फ्लैप मतलब ऐसा फ्लैप लाइक, या बेस्ट बोलो तो लीफ जैसा, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, एक फ्लैप है, एक फ्लैप है, एक कवर है, फ्लैप का मतलब एक कवर है, ठीक है, जिसका लीफ लाइक पत्ती जैसा स्ट्रक्चर है,
तो पत्ती कैसी रहती है? ऐसी रहती है। तो ये आया फूड पार्टिकल, फूड पार्टिकल आ रहा है, अब यहाँ एंटर करने की कोशिश करेगा, ये एपिग्लॉटिस बोलेगा नहीं नहीं यहाँ नहीं आना है, जाओ इसोफेगस में। समझो, फूड पार्टिकल आया, गिरा यहाँ फूड पार्टिकल इसोफेगस में, इसोफेगस ये सॉरी एपिग्लॉटिस में, ग्लॉटिस के जस्ट ऊपर एक कवर है ये इस तरीके से लीफ लाइक। अब मैं एकदम पत्ती जैसे नहीं बना सकता हूं, क्योंकि मैं माया को बाजू से देख रहा हूँ, समझ रहे हो, एक साइड से देख रहा हूँ उसका बॉडी कैसा है इस वक्त, इस तरीके से यहां से देख रहे हो आप, तो मैं उसको ऐसे ही बनाऊंगा ना। आप ऊपर से देखोगे तो आपको ऐसा कैसे दिखेगा, लीफ लाइक दिखेगा, राइट। सो व्हेन फूड पार्टिकल इज एंटरिंग फ्रॉम द माउथ, इट विल गो ऑन द एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या बोलेगा, मैं अच्छा अगर मानकर चलो फूड पार्टिकल पूछ रहा है कि तुम कौन हो, इसको एपिग्लॉटिस को, एपिग्लॉटिस बोलेगा मैं ग्लॉटिस का कवर हूं, इसलिए मेरे ऊपर एपी लगाया गया है। एपी वहां शब्द लगता है जो हर किसी चीज के ऊपर हो, ठीक है, जैसे एपिथीलियम था वैसे एपिग्लॉटिस, तो ग्लॉटिस के ऊपर एपी लगाया, मतलब ग्लॉटिस ये हो गया और एपिग्लॉटिस ये। अच्छा तुम्हारा काम क्या है, कौन पूछ रहा है, फूड पार्टिकल एपिग्लॉटिस को पूछ रहा है। सो एपिग्लॉटिस विल आंसर, my function is to prevent the food to entering to get entered inside the trachea, I prevent the food particle, I prevent the water, I prevent the solid particle or I prevent the liquid matter to get entered inside the lungs, okay, who are you, I am the first topmost part present over the trachea, main wo topmost part hu jo trachea ke opening ya windpipe ya air opening कि जस्ट ऊपर प्रेजेंट हो। अच्छा उसके ओपनिंग का नाम क्या, ग्लॉटिस, तो तुम्हारा नाम तो एपिग्लॉटिस रहना चाहिए, तो वही तो है एपी ऊपर, ग्लॉटिस के ऊपर एपिग्लॉटिस, तो एपिग्लॉटिस का नाम है। जैसे ही फूड पार्टिकल आया एपिग्लॉटिस बोलेगा ये इधर, तो मेरा चौक भी गिर गया। जैसे ही फूड पार्टिकल आएगा, फूड पार्टिकल किसके ऊपर गिरेगा, ये धम से एपिग्लॉटिस के ऊपर गिरेगा, एपिग्लॉटिस बोलेगा इतना वजन आ रहा है चलो डाल देता हूं उधर। गेटिंग माय पॉइंट, एयर का तो उतना प्रेशर नहीं रहेगा ना, एयर कैन पास आउट फ्रॉम दिस एपिग्लॉटिस, मतलब एयर यहां से अंदर एंटर कर सकती है, उतना पाथवे है, बट जब भी सॉलिड पार्टिकल आएगा, सॉलिड पार्टिकल या लिक्विड मैटर आएगा, वो डायरेक्ट कहां ट्रांसफर कर देंगे, इस तरफ। अब गलती से भी आप बोलते वक्त आप मतलब मानकर चलो भाई से मस्ती कर रहे हो, बहन से मस्ती कर रहे हो, ये माया अपने बहन से बस मस्ती कर रही है मानकर चलो, तो माया अपने बहन से मस्ती कर रही है मानकर चलो, उसके बहन का नाम साया है, ठीक है, तो माया इज टॉकिंग टू साया, होगा क्या, बात करेगी, पॉइंट टू बी वेरी क्लियर, खुद से बात करके देखो, खुद को हाय बोलो, क्या माउथ से एयर निकल रही है, फूक मार कर देखो निकल रही है, मतलब सर अगर वॉइस बाहर निकल रही, अगर बोलते वक्त एयर बाहर निकल रही है, तो सर कहीं ना कहीं वॉइस प्रोडक्शन तो ये ट्रैकिया के सबसे टॉप मोस्ट पार्ट लैरिंग से होता है, इसी से वॉइस प्रोडक्शन होता है, तो सर जब मैं खाना खा रहा हूं उसी वक्त एयर बाहर निकाल रहा हूं, गेटिंग माय पॉइंट, व्हेन यू आर ट्राइंग टू गेट एंटर और व्हेन यू आर एनगल्फिंग द फूड एट द सेम सिमिलर टाइम यू आर स्पीकिंग, आप बोल रहे हो, तो बोलने की वजह से वॉइस तो बाहर, आपका लैरिंग्स तो फंक्शन करेगा, वॉइस बॉक्स तो फंक्शन करेगा, अब वॉइस बॉक्स फंक्शन करेगा तो एयर कहां जाना चाहेगी, बाहर, तो किसको रेजिस्टेंस देगी, किसको तकलीफ देगी, किसको काम नहीं करने देगी, आंसर इज एपिग्लॉटिस। खुद ट्राई कर लो, ट्राई मतलब खुद सोच लो, यहां से फूड पार्टिकल नीचे उतर रहा है माया के मुंह से, फैरिंग से नीचे उतर रहा है, और साया उसको बोल रही है तूने दिन भर क्या की, माया ने बोल रही है मैं तो दिन भर मस्ती की और मैंने भांडे धोए, ठीक है, कौन बोल रही है, माया, राइट, तो क्या बाहर कैसे बोलेगी, बोलते वक्त एयर बाहर निकलती है, तो सांप जैसा मैं ड्रॉ कर रहा हूं ना, एयर है, ठीक है, तो एयर जब लैरिंग्स पर गिरेगी उसमें तारे रहती हैं, लैरिंग्स में कॉर्ड्स रहते हैं, वोकल कॉर्ड, आवाज के प्रोडक्शन की तारे रहती हैं, तारे ऐसे वाइब्रेट करेगी, तारे वाइब्रेट करेंगी, वॉइस का प्रोडक्शन होगा, एयर बाहर निकलेगी, तो अभी मैं बोल रहा हूं तो मेरे माउथ से एयर निकल रही है, तो माउथ से अगर एयर निकल रही है इसका मतलब मेरा लैरिंग्स टच जो स्ट्रिंग है मेरे वॉइस बॉक्स का जो डब्बा है उसमें तारे हैं, तरंगे हैं, तो तारे क्या कर रही होगी, वाइब्रेट कर रही होगी, उसके वाइब्रेट से ऊपर इस एपिग्लॉटिस के ऊपर क्या लग रहा होगा, रेजिस्टेंस लग रहा होगा, पुश लग रहा होगा। अब अगर आप खाना भी खा रहे हो ना तब भी नीचे से प्रेशर आ रहा है, मानकर चलो आप किसी गेट के अंदर एंटर कर रहे हो और दूर तरफ, सिंपल सा स्टेटमेंट, आप बाइक पर बैठे हो, आप स्कूटी पर बैठे हो और आप आगे जाने की कोशिश कर रहे हो,
और सामने से पवन देवता इतने मेहरबान है कि वो आपके ऊपर एयर का प्रेशर लगा रहे हैं। थोड़ा लॉजिकली सोचो, आप 10 के स्पीड से चला रहे हो, आपकी 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड घट रही है। 10 किलोमीटर पर हवर के स्पीड से चला रहे हो, 2 किलोमीटर प्रति हवर आपकी स्पीड घटी। बोलते हैं ना 10 के स्पीड से चलाओ 20 के स्पीड से। तो इफ यू आर ट्राइंग, इफ यू आर राइडिंग योर बाइक और स्कूटर या स्कूटी विथ 20 किलोमीटर ऑफ स्पीड, देन ड्यू टू वेरी हाई एयर रेजिस्टेंस, बहुत ज्यादा एयर के प्रेशर के वजह से आपका कुछ ना कुछ तो, जितना स्पीड है, अगर आपका कॉन्स्टेंट स्पीड है तो आपका एयर के प्रेशर के वजह से आपको रेजिस्टेंस लगेगा और आपकी स्पीड कम होगी। क्लियर है ये तो स्टेटमेंट? मतलब हवा में आप एकदम तेज गाड़ी नहीं चला सकते, एयर का प्रेशर तो लगेगा। तो उसी तरीके से जिस वक्त जितने भी तेजी से या जो भी इंटेंसिटी से कुछ भी एक ग्रेविटी के वजह से फूड भी क्यों ना नीचे एंटर हो रहा हो, तो वो इस एपिग्लॉटिस पर कैसे गिरेगा? धम से गिरेगा। जैसे आपने खाना खाया, आप क्या करते हो? एनगल्फ कर लेते हो। एपिग्लॉटिस ने ऐसा फूड आया, ये फूड आ रहा है, उसने डाल दिया ईसोफेगस में, जाओ उधर। मतलब इस तरफ सामने तरफ ट्रैक किया है, पीछे तरफ ईसोफेगस है। मतलब एपिग्लॉटिस आपका किस तरफ होगा? अपने बॉडी के रेस्पेक्ट में सोचो, तो ट्रैकिया आगे है, ईसोफेगस पीछे है। तो एपिग्लॉटिस कैसा होगा? ऐसा फूड आप खाओ, ऐसे गिरेगा और जाओ पीछे ईसोफेगस में। आप इमेजिन करना, तो मैंने जिस टाइप से ड्रॉ किया है, फूड फिर से आपने खाया, कहां गिरेगा? एपिग्लॉटिस पर। वो बोलेगा जाओ पीछे, जाओ पीछे इन द सेंस ईसोफेगस में जाओ, ट्रैकिया तुम्हारे लिए नहीं बना है। चलो, माया जब वॉइस का प्रोडक्शन कर रही है, लैरिंग्स वाइब्रेट करेगा, एयर का प्रेशर इधर से आ रहा है और गाड़ी वाला सामने से आ रहा है। अब ढूंढ से गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल, राइट? सो गाड़ी वाला मतलब इन द सेंस बाइक या स्कूटर लेकर एक पर्सन सामने से आ रहा है, उसको जाना इधर ही है, पर वो इधर भी जा सकता है, पर उसको इस साइड जाने से कोई चीज रोक रही है, ठीक है? कौन? एपिग्लॉटिस। अब नीचे से अगर आप एपिग्लॉटिस में अगर वॉइस का प्रोडक्शन खाते वक्त ही बातें कर रहे हो, तो नीचे से एयर का रेजिस्टेंस आएगा या नहीं आएगा? क्यों? आपने खुद ही बोला है सर, वॉइस के प्रोडक्शन के वक्त बात करते वक्त वॉइस सांस बाहर निकलती है, एयर बाहर निकलती है, तो एयर का रेजिस्टेंस इस एपिग्लॉटिस पर लगेगा? बिल्कुल सर। एपिग्लॉटिस अच्छे से फंक्शन करेगा? आंसर इज नो। इफ एपिग्लॉटिस will not function properly, the food definitely esophagus में ना enter करके यहाँ enter कर सकता है, और जैसे ही यहाँ पर food enter करेगा, आप क्या बोलोगे? आई पानी दिया, लौक कर पानी दे। तो वहां मम्मी क्या करती है? जाती है दौड़ कर पानी लेके आती है, लो पानी पियो, ठीक है? समझ रहे हो बात को? So, should you speak, do you want, नहीं, क्या आपको खाते वक्त बात करना चाहिए? पहला statement नहीं, ठीक है? उसका reason आप logically सोचो, बात करोगे, आवाज बाहर निकलेगी, हाँ आवाज तो निकलती है, कोई कोई गुंगा भी रहता है, बट वॉइस हवा तो निकलेगी, तो एयर बाहर निकलेगी, एयर बाहर निकलेगी तो क्या वाइब्रेट होगा? लैरिंग्स नाम के डब्बे के वोकल कॉर्ड वाइब्रेट होंगे, वाइब्रेशन होगा, और एयर भी बाहर निकलेगी। एयर बाहर निकलेगी तो किसके ऊपर प्रेशर लगाएगी? एपिग्लॉटिस की। मैं जाना चाहती हूं, मुझे जगा दो। कौन? एयर। तो ये एपिग्लॉटिस को नीचे से प्रेशर आएगा, वो ऊपर ऐसे इंटैक्ट रहेगा, फूड आ रहा है नीचे से, प्रेशर आ रहा है, गलती से फूड यहाँ पर एंटर हो गया, तो आपको क्या लगेगा? आपको हिकअप्स आएगी, यू विल ट्राई टू ड्रिंक वाटर एंड देन यू विल बी बैक टू ए नॉर्मल स्टेट। सो हैव यू क्लियर विद द फंक्शन और द स्ट्रक्चर ऑफ द एपिग्लॉटिस? आपको क्लियर है? yes, sir. सभी को क्लियर है? yes, sir. डाउट है? क्लियर है सर। क्लियर है ना? राइट। सो एपिग्लॉटिस इज वॉट?